दोस्तों, हमारे देश के सोल्जर्स अपने देश की रक्षा करने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं और हमें आतंकियों से सुरक्षित रखने के लिए वो जंगल में रहते हैं, जिससे कि उनके पास ज़रूरत की चीज़ें समय पर नहीं पहुंच पाती हैं और उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है और उनकी सुविधा के लिए यह ऑफ रोड व्हीकल, जो कि किसी भी जंगली एरिया में चलने के काबिल है, सोल्जर्स के लिए नाइट विजन गॉगल, जिससे कि उनको रात में सिक्योरिटी करने के लिए दिखाई दे सकता है, और ड्रोन टैक्टिकल, जो कि आतंकी द्वारा भेजे गए ड्रोन को हवा में ही शूट कर सकता है, और बहुत सारे ऐसे रोबोट तैयार किए जा चुके हैं जो कि बम डिटेक्ट करने के कैपेबल है, जिससे कि सोल्जर्स की जान जाने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। इन इन्वेंशंस को आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आइए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को और दिखाते हैं आपको कुछ ऐसे इन्वेंशंस जो कि हमारे देश के सोल्जर्स के लिए बेहद ज़रूरी हैं। पिछली वीडियो में अपना प्यार दिखाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है, जो कि आपके नॉलेज को बढ़ाने वाली है, और साथ ही हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमेशा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचती रहे। आइए शुरू करते हैं। कैलिबर मार्क 4। आतंकी हमले में अक्सर कार में बम वगैरह रखे होते हैं, जिसको चेकिंग करना काफ़ी ज़रूरी होता है। चेकिंग यदि किसी सोल्जर के द्वारा की जाए तो जान की भी हानि हो सकती है, लेकिन आज के एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा इस इंटेलिजेंट रोबोट को तैयार किया गया है, जो कि कार की चेकिंग करने के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। इस रोबोट को दो कंपनी ने मिलकर बनाया है, जिसमें कि कैनेडियन के आई कॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी के स्पेशलिस्ट और साथ में अमेरिका के i3 हैरिस कंपनी के द्वारा इसका T7 रोबोट तैयार किया गया है। इस रोबोट को काफ़ी एडवांस लेवल का बनाया गया है, जो कि इंटेलिजेंट सर्विस देता है। इस रोबोट के द्वारा कार को ओपन करके इसके अंदर की चेकिंग करने के साथ इसके विंडो को भी ब्रेक कर सकता है। इसमें हाई लेवल के सेंसर्स और कैमरा लगे होते हैं, जिसके द्वारा कोई भी रोबोट को कंट्रोल कर सकता है और कार की विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। मिलिट्री में इस रोबोट का यूज़ करके बम वगैरह चेक करने से सोल्जर्स की जान जाने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। यह रोबोट आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी एडवांस है और मिलिट्री में इसकी बहुत ही ज़रूरत है। रोड बैरियर। कुछ क्रिमिनल या फिर आतंकी भागने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनको रोकने के लिए यह एक खास प्रकार का रोड बैरियर बनाया गया है, जो कि किसी भी गाड़ी को रोकने के लिए बहुत ही सक्सेसफुल है। यह लोहे का बना हुआ एक बहुत ही पावरफुल बैरियर है, जिसमें कि यदि कोई गाड़ी टकराती है तो वह इसके इंजन को डिस्ट्रॉय कर देती है, और एक बार डिस्ट्रॉय होने के बाद वह इंजन दोबारा स्टार्ट नहीं होता है, जिससे कि यदि कोई आतंकी भागने की कोशिश कर रहा है तो उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। इस बैरियर में बहुत सारे टेस्ट करने के बाद इसको जर्मनी में सर्टिफाइड कर दिया गया है, और वहाँ के मिलिट्री के द्वारा आतंकियों को पकड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नाइट विजन गॉगल। दिन में सोल्जर्स द्वारा सिक्योरिटी करना बेहतर होता है, लेकिन रात में सिक्योरिटी लेवल में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि रात में अंधेरा होता है और सोल्जर्स को दिखाई नहीं देता है, और इसका फ़ायदा उठाकर दूसरे देश के आतंकी अक्सर रात में किसी देश में घुसने का जरिया बनाते हैं, जिससे कि उनको रोक पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यह नाइट विजन गॉगल बनाया गया है, जो कि सोल्जर्स को रात में देखने के लिए बहुत इंजीनियस वर्क करता है। इस गॉगल में लाइट एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जो कि नाइट विजन के फीचर साथ होते हैं, जिससे कि अंधेरे में भी दिखाई दे सकता है। यह नाइट विजन गॉगल सोल्जर्स को रात में देखने के लिए बहुत ही हेल्प करते हैं, जिससे कि सिक्योरिटी लेवल बरकरार रहती है, और यदि कोई आतंकी बॉर्डर को क्रॉस करते हुए गुजरता है तो उसे आसानी से देख सकते हैं और उसे बॉर्डर पर ही रोका जा सकता है। ड्रोन गन टैक्टिकल। बॉर्डर में टेररिस्ट के द्वारा ड्रोन वगैरह भेजे जाते हैं, जो कि गलत उद्देश्य से होते हैं, और इन ड्रोन से खतरा भी हो सकता है, इसीलिए इनको पकड़ना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिसमें कि यह ड्रोन गन बहुत ही इंजीनियस वर्क करता है। इस गन को एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि कोई भी नॉर्मल एक्सपीरियंस आद पर्सन इसको यूज़ कर सकता है। इसको सेटअप करने में कुछ ही सेकंड का समय लगता है। इसमें हाईटेक सेंसर्स और साथ में लेंस लगे होते हैं, जिससे कि कुछ ही समय में यह टारगेट की दूरी और इसकी स्पीड को डिटेक्ट कर लेता है। यह एक इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्टाइल गन नहीं है, बल्कि यह ड्रोन मिटिगेशन डिवाइस है, जो कि पावरफुल सिग्नल क्रिएट करता है और ड्रोन में लगे एंटीना को न्यूट्रलाइज कर देता है और उसको बहुत ही सेफली लैंड कराता है। यह काफ़ी कॉम्पैक्ट मॉडल का है और इसको यूज़ करना काफ़ी इजी है। यह 2 किलोमीटर तक टारगेट करके शूट कर सकता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि ड्रोन को शूट करने के बाद उसे डिस्ट्रॉय नहीं करता है, बल्कि उसे स्मूथली लैंड कराता है। इसके द्वारा ड्रोन की इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है और खतरों से बचा जा सकता है। इस ड्रोन गन टैक्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। पोलारिस डैगर। सोल्जर्स के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है, क्योंकि कोई भी गाड़ी ऑफरोड चलने के काबिल नहीं होती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस पोलारिस डैगर को मैन्युफैक्चर किया गया है। यह डैगर एक ऑफ रोड व्हीकल है, जो कि स्पेशली मिलिट्री इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। इसके कॉम्पैक्ट साइज होने के कारण इसमें 9 से 10 सोल्जर बैठ सकते हैं। इस ऑफ रोड व्हीकल में सबसे बेहतर चीज़ यह है कि इसका वजन 4 टन है और यह 3 टन वजन उठाने के कैपेबल है। दोस्तों, यह डैगर किसी भी तरह की जगह में चलने के काबिल है, जिससे कि सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने में सहायता मिल जाती है।
आर्मोर्ड बोट। अभी तक आपने नॉर्मल बोट देखा होगा, आज हम आपको एक ऐसा बोट दिखाने जा रहे हैं जो कि पानी के साथ साथ रोड में भी चलने के कैपेबल है। इस आर्मोर्ड बोट को कैनेडियन इंजीनियरिंग कंपनी के स्टेट ग्रुप के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, जो कि स्पेशली मिलिट्री के लिए बनाया गया है, जिसमें कि सोल्जर्स को यदि नदी में इस पार से उस पार जाना है तो वह आसानी से जा सकते हैं। इस बोट में कैमरा के साथ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिससे कि पेट्रोलिंग करने में आसानी हो जाती है। 500 हॉर्स पावर का डुअल इंजन लगा होता है, जिसमें कि 10 पैसेंजर बैठ सकते हैं और यह 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। यह बोट सोल्जर के द्वारा पेट्रोलिंग करने के लिए बहुत ही यूजफुल है, जिससे कि उनको मेहनत कम पड़ती है। अब आइए बताते हैं आपको स्पाइक स्ट्रिप के बारे में। किसी भाग रहे आतंकी को यदि जिंदा पकड़ना हो तो उसमें बैरियर का यूज़ करना खतरनाक हो सकता है। इसी चीज़ को और भी बेहतर बनाने के लिए यह स्पाइक स्ट्रिप मैन्युफैक्चर किया गया है, जो कि किसी भी भाग रहे आतंकी के कार को रोकने के लिए सक्षम है। कार को रोकने के लिए यदि रोड में सुइयां गिरा दी जाएं तो टायर फट सकता है और कार डैमेज हो सकती है। इसी चीज़ को स्पाइक सिस्टम ने और भी बेहतर बना दिया है। इस सिस्टम में बहुत से स्ट्रिप लगे होते हैं जो कि टायर में घुस जाते हैं और धीरे धीरे टायर की हवा को निकाल देते हैं। इस मेथड का यूज़ करके किसी भी आतंकी को जिंदा पकड़ा जा सकता है और उससे पूछताछ की जा सकती है। इस सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। HDT कैपेबिलिटीज़। देश की रक्षा करने के लिए सोल्जर्स जंगली एरिया में रहते हैं और ठंडी गर्मी बरसात किसी भी मौसम में रुकने के लिए उनको काफ़ी समस्याएँ होती हैं। इसी समस्या का समाधान के लिए HDT ग्लोबल कंपनी ने यह एक शेल्टर सिस्टम लॉन्च किया है, जो कि किसी भी जगह में असेंबल किया जा सकता है। इसको असेंबल करने में कुछ ही समय लगता है, जिसके द्वारा एक बहुत बड़ा रुकने की व्यवस्था हो जाती है। यह सिस्टम काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन का है, जिसमें कि व्हील्स लगे होते हैं जो कि किसी भी जंगली एरिया में चलने के साथ साथ दलदली मिट्टी में भी चलने के काबिल होते हैं। इस शेल्टर सिस्टम का यूज़ करने से सोल्जर्स को ठंडी गर्मी बरसात के मौसम में बचाव के लिए बहुत ही राहत मिल जाती है। क्लॉथिंग कट रेजिस्टेंट। किसी क्रिमिनल को यदि जिंदा पकड़ना हो तो उसको पकड़ने में काफ़ी खतरा हो सकता है, क्योंकि उसके पास कोई खतरनाक चीज़ हो सकती है जिससे कि वह सोल्जर के ऊपर हमला कर सकता है और किसी भी धारदार हथियार से चोट पहुंचा सकता है। इसी चीज़ का सबसे बेस्ट उपाय है यह कट रेजिस्टेंट क्लॉथिंग। इस स्पेशल क्लॉथ में बहुत सारे टेस्ट करने के बाद ही इसको यूज़ में लाया गया है, जिससे कि इसको पहनने के बाद यदि कोई नुकीली चीज़ से चोट पहुँचाने की कोशिश करता है तो यह कपड़ा कटता नहीं है। यह कपड़ा कट रेजिस्टेंट होता है और 95% तक सेफ्टी देता है, जिससे कि इस कपड़े को पहनने के बाद सोल्जर्स सेफ रहते हैं। दोस्तों, इस तरह के क्लॉथ्स हमारे देश के सोल्जर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं, जिससे कि वे किसी क्रिमिनल को पकड़ते हुए अपने आप को सेफ महसूस कर पाते हैं। यह थे कुछ मिलिट्री के लिए मोस्ट यूजफुल इन्वेंशंस, जो कि हमारे देश के सोल्जर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। इन इन्वेंशंस में से सबसे बेहतर और यूनिक इन्वेंशन आपको कौन सा लगा और कौन से इन्वेंशन को आप अपने देश के सोल्जर्स के लिए यूज़ में लाने के लिए बेहतर समझते हैं, नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, स्क्रीन पर आ रहे चैनल के लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक हमेशा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचती रहे। पिछली वीडियो में अपना प्यार दिखाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। हमारे इस वीडियो के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, नीचे हमें अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक बार फिर से नए वीडियो के नए सीरीज में। स्क्रीन में आपको दो और वीडियोस दिख रही होंगी जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं, इन्हें आप ज़रूर देखिए।